धारदार हथियार से गर्दन काटकर एक महिला को मौत के घाट उतारा गया है। यह घटना हिंगना थाना अंतर्गत समृद्धि महामार्ग से सटे गुमगांव के सलाई दाबा रोड पर हुई है। महिला के साथ दुष्कर्म का भी अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की है। मृत महिला अंदाजन 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है। मंगलवार की दोपहर परिसर में रहने वाले एक व्यक्ति को रास्ते पर खून दिखाई दिया। उसने गांव में जाकर अन्य लोगों को जानकारी दी। एक ग्रामीण ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद हिंगना पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची। रास्ते से करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों में महिला का शव पड़ा था। किसी धारदार और भारी हथियार से महिला की गर्दन काटी गई थी। DCP अर्चित चांडक भी मौके पर पहुंचे। पुलिस का अनुमान है कि महिला की हत्या में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। मृतक का फोटो आसपास के सभी गांव में भेजा गया है, जिससे महिला की पहचान हो पाए। वैसे पुलिस का मानना है कि महिला मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की हो सकती है और रोजगार के लिए नागपुर आई थी, इसलिए MP और छत्तीसगढ़ पुलिस को भी तस्वीर भेजी गई है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच भी करी है। अपने काल दिनांक 14/11/2023 रोजी दुपारच्या सुमारास एका शेतकऱ्याला ते सदर ठिकाणी रक्त दिसल्यामुळे त्यांनी पोलिसांना रिपोर्ट केला। आम्ही घटनास्थळी तात्काळ पोहोचलो आमच्या वरिष्ठांसह। तर त्या ठिकाणी एक महिलेचं प्रेत भेटलेलं आहे। तिचं जवळपास 35 ते 45 वयोगट आहे। उंची 5 फूट, रंग निमगोरा, सडपातळ बांधा, खाकी रंगाचं जॅकेट घातलेलं होतं तिनं, केशरी रंगाची साडी, ज्यावर लाल फुलाचे आणि इतर प्रिंट असलेले असे नक्षी आहे, लाल रंगाचा पेटीकोट आहे, लाल रंगाची ब्लाउज घातलेला आहे, पायामध्ये लाल रंगाची नेल पेंट लावलेली आहे, हातामध्ये नवीन हिरव्या पिवळ्या रंगाच्या बांगड्या आहेत, केस काळे आहेत आणि लहान आहे। से अशा ह्या वर्णनाची जी महिला आहे ती मिळून आलेली आहे, परंतु अद्यापर्यंत तिची ओळख पटलेली नाही आहे। तर या संदर्भामध्ये या वर्णनाशी मिळती जुळती अशी एखादी व्यक्ती आपल्या शेजारी पाजारी कुठल्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये जर मिसिंग झालेली असेल, तिच्या ठेवणवरून असं वाटतं की ती म्हणजे शक्यता आहे की ती MP साईड असावी असं वाटतं। तर अशा वर्णाची जर एखादी महिला कुठे मिसिंग असेल तर हिंगणा पोलीस स्टेशन येथे नागपूर शहरमध्ये हे हिंगणा पोलीस स्टेशन आहे, या ठिकाणी आम्ही जनतेला आवाहन करतो की त्याने आम्हाला संपर्क साधावा, त्यामुळे तो गुन्हा ओपन होण्यामध्ये मदत होईल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।